हे गाइस, कैसे हैं आप? तो गाइस, गर्मी बहुत ज़्यादा है और मेहमान भी आ रहे हैं, छुट्टियां पड़ चुकी हैं बच्चों को, हम कहीं जाते हैं या फिर कोई हमारे घर आता है, तो गर्मी में लगता है लंच में क्या बनाएं तो डिनर में क्या बनाएं। तो कुछ गर्मी में इतना देर तो किचन में खड़ा भी नहीं होया जाता, लेकिन अगर आप एक ग्रेवी बना लें, एक मसाला बना लें, तो आप उस मसाले से 500 सब्जियां तैयार कर सकते हैं अपनी मनपसंद की। मेहमान आए चाहे कोई मेहमान ना आए, हमारा ही रेस्टोरेंट होटल में जाने का दिल नहीं करता, इतनी गर्मी होती है, तो लगता है घर में कुछ मिल जाए, बस अपने घर में ठंडक ठंडक में खाएँ। तो चाहे शाही पनीर बनाएँ, एक ही ग्रेवी बनाएंगे, एकदम डिफरेंट फ्लेवर बनेंगे गाइस। ग्रेवी एक लेकिन फ्लेवर हमारे सारे ही डिफरेंट डिफरेंट होंगे। चाहे दम आलू बनाएं, चाहे तो आप मटर पनीर बनाएं, चाहे आप कोई भी सब्जी इस ग्रेवी के साथ बना लेंगे। एक बार ग्रेवी बना के रख लीजिए, हफ्ता 10 दिन आपकी कोई भी सब्जी बनाने में सिर्फ आपको 5 मिनट लगेंगे। तो गाइस, जहाँ मैंने ले ली है प्याज, प्याज के अंदर हम पानी डाल देंगे जिससे कि हमारी आंखों को नहीं लगेगा। कभी भी आपने प्याज छीलने हो ना गाइस, तो पानी में भिगो करके रख दीजिए, एक तो आपका छिलका नहीं उड़ेगा, दूसरा आपको प्याज आंखों में नहीं लगेगा, जितना मर्जी कोड़ा प्याज हो। तो गाइस, इसी तरीके से मैं लहसुन यानी गार्लिक को भी भिगो देंगे। जैसे हमारे को लहसुन लगता है नाखूनों में जाके लगता है, नहीं खुलने पड़ता, तो हल्का सा हाफ जो सिलवट्टा वाला होता है या फिर बेलन होता है ना रोटी बनाने वाला, या जे जो मैंने जिस तरीके से लिया माम दस्ते का, हल्का सा मारेंगे तो देखिए सारा लहसुन सेपरेट हो जाता है फटाफट, और पानी में भिगो दीजिएगा। पानी में भिगोने से क्या होगा, लहसुन एक तो बहुत ही जल्दी छिला जाएगा और इसका छिलका भी नहीं उड़ेगा, जैसे पंखे के नीचे हम करते हैं ना लहसुन के छिलके छिलके उड़ जाते हैं, तो इस तरीके से हम दोनों को भिगो के रख देंगे। और जहाँ मैंने लिया 8 से 10 टमाटर, टमाटर को क्या करेंगे गाइस, सिर्फ हम 4 पीस करेंगे इसके, टमाटर के ज़्यादा छोटे पीसेस ना कीजिएगा, सिर्फ 4-4 पीस ही कीजिए। टमाटर भी आजकल बहुत सस्ते हो चुके हैं गाइस, एक बार आप जब मसाला बना के रख लेंगे ना, चाहे रात के टाइम बना के रख लीजिए, आप जा तो सवेरे अर्ली मॉर्निंग उठ करके बना कर रख लीजिए। सारे मैंने प्याज काटी हैं, इसी तरीके से गाइस जहाँ पे मैंने अदरक का टुकड़ा ले लेंगे, इसको भी छील करके लंबा लंबा तैयार कर लेंगे, छोटे छोटे पीसेज में यानी लंबा लंबा काट देंगे। तो गाइस देखिए, अगर मैंने आपको बता रही हूँ ना, एक बार ये मसाला बना के रख लेंगे, आपकी मल्टीपर्पज़ ये ग्रेवी तैयार हो जाती है। सूखी सब्जी में बनाइए, चाहे आप रस्से वाली सब्जियाँ बनाइए, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे आपको ये सब्जी तैयार करने में। अगर आपने महीना भर स्टोर करना है तो कैसे करेंगे स्टोर, और अगर आप हफ्ते के लिए स्टोर करेंगे तब कैसे करेंगे। तो बने रहिएगा, बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ मैं आपके लिए। देखिए लहसुन कितने अच्छे से फटाफट हमारा भीगने के कारण उड़ गया, ना छिलका उड़ा और ना ही लहसुन को ज़्यादा टाइम लगा हमें छीलने के लिए। इस तरीके से गाइस देखिए, प्याज भी हमें सिर्फ 5 से 10 मिनट भिगो देंगे ना, आप आराम से कोई आंखों को कोड़ा नहीं लगेगा, आपकी आंखों में जलन नहीं होगी। अगर आपके 2 प्याज भी है ना, 2 प्याज को भी पानी में भिगो करके रख दीजिए 5 मिनट पहले। तो देखिए इसी तरीके से हम बड़े बड़े पीसेस में प्याज को भी कटिंग कर लेंगे। देखिए है ना, बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आती हूँ जो आपके बहुत डेली रूटीन में काम आते हैं गाइस। सिर्फ ये नहीं है कि अभी मसाला बनाना तभी आएंगे, बाद में भी बहुत काम आएंगे। तो गाइस जहाँ हमने ले लिए हैं काजू, काजू कितने लिए, 10 से 15 से 20 दाने ले लीजिएगा, या तो आप जब मैंने खरबूजे की गिरी बताई थी ना गाइस, आप खरबूजे की गिरी भी ले सकते हैं अगर आप काजू नहीं लेना चाहते हैं। तो गाइस इससे क्या होगा, एकदम रिचेस्ट आपकी ग्रेवी बनेगी, जैसे हमारी होटल रेस्टोरेंट शादियों में जाके खाते हैं ना, वैसी वैसी ग्रेवी का पूरा फ्लेवर निकल के आएगा। एक बार बना के रख लीजिए गाइस, आपको बहुत ही पसंद आएगी, नहीं तो आप खरबूजे की गिरी डाल सकते हैं। तो गाइस हरी मिर्चें मैंने 4 से 5 ले ली, और साथ में जहाँ ले ली कश्मीरी साबुत मिर्चें, इसको भी हम पानी में भिगो देंगे। आपको फिर बाद में अलग से कश्मीरी मिर्च पाउडर किसी भी सब्जी में डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब आप घर की कश्मीरी मिर्च पीसेंगे ना इस मसाले के अंदर, बहुत ही अच्छे से फ्लेवर बनेगी गाइस। देखिए प्याज सारे हमने कटिंग करके रख लिए हैं, सारा हमने लहसुन भी काजू भी और सारे गाइस गला भी ठीक नहीं हुआ है, थोड़ा सा चल ही रहा है। तो देखिए सारे हमने मसाले तैयार करके रख लिए हैं। अब क्या करेंगे, एक कढ़ाई में हम कोई भी कुकिंग ऑयल जो भी आपकी किचन में यूज़ होता है ना वो डाल दीजिएगा, थोड़ा एक्स्ट्रा ही डालिएगा, और साथ में डाल देंगे जहाँ पे प्याज, जिससे कि अच्छे से भून करके तैयार हो जाए। हफ्ता 10 दिन हम जब रेडीमेड मार्केट से लेकर आते हैं ना गाइस भुना हुआ मसाला, आपने देखा होगा उसके अंदर भी खूब सारा घी होता है, और पता नहीं वो कब से तैयार किया होता है, और उन्होंने आर्टिफिशियल भी बहुत सारे मटेरियल डाले होते हैं, जैसे सिंथेटिक कह देते हैं ना,
वो वाले भी डले होते हैं, तो क्यों ना हम घर में ही ताज़ा मसाला तैयार कीजिए। मैक्सिमम आपको जो मसाला तैयार करने के लिए आधा घंटा लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा गैस। देखिए प्याज हल्के से जब भून गए थे ना, तो मैंने जहाँ पे डाल दिया था लहसुन अदरक और साथ में हरी मिर्चें डाल दी थी। तो गाइज अगर अभी तक आप मेरे साथ बने हुए हो और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप फेसबुक पर हो तो मुझे फॉलो कर लीजिएगा नई नई टिप्स नई नई जानकारी के लिए। बहुत सारे ट्रिक्स लेकर आती हूँ गाइज आपके लिए ढूंढ ढूंढ करके, तो बने रहिएगा नई नई वीडियो जानने के लिए। नई नई जब कब मेरी वीडियो आती है तो नीचे बेल बटन है ना उसको भी जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। देखिए गाइज मसाला अच्छे से मेरे प्याज हल्के से रोस्ट हो चुके थे, हमने काले ब्राउन नहीं करने होते, सिर्फ हल्का रोस्ट ही करना होता है। जहाँ मैं डाल दूँगी कश्मीरी लाल मिर्चें जो साबुत वाली हमने भिगो के रखी थी ना, पानी भी थोड़ा साथ में डाल देंगे जिससे कि मसाला अच्छे से भुन जाएगा। और इसी के साथ डाल देंगे टमाटर, और देखिए जो हमने कटिंग करके रखे थे लगातार थोड़ा सा हिलाएंगे और नमक डाल देंगे टमाटर के साथ ही, जिससे कि हमारे टमाटर बहुत ही जल्दी गल जाएंगे पक जाएंगे। और इसी के साथ डाल देंगे 2 मिनट के बाद काजू जो हमने पानी में भिगो के रखे थे ना, वो भी डाल देंगे। देखिए बहुत ही बढ़िया सी रिच वाली ग्रेवी तैयार होगी गाइज। हमें कोई साबुत मसाले डाल के रखने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, तो साबुत मसाले मैंने नहीं डाले हैं तो हम क्या करेंगे, तो बने रहिएगा इसके लिए भी। तो गाइज देखिए जैसे ही हमारा 5 से 7 मिनट लगेंगे पक जाएगा ना, तो हमारे छिलके बिल्कुल अपने आप ही सेपरेट हो जाएंगे। आप चिमटी के सहायता से, अगर आपके पास चिमटी नहीं है या कुछ नहीं है तो आप करछी से भी निकाल सकते हैं, या फिर गैस जैसे ही हमारा मसाला थोड़ा एक्स्ट्रा भुन जाता है ना तो जी अपने आप ही छूट कर सेपरेट हो जाता है छिलका टमाटर की ग्रेवी से। देखिए गाइस सारे को अच्छे से कितने मिनट पकाएंगे, 5 से 10 मिनट लगातार पकाएंगे जब तक घी नहीं छूट जाता। देखिए सारे मसाला हमारा बढ़िया सा तैयार होने लग पड़ा है। तो कैसा लग रहा है आपको तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपको मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स कैसे लगते हैं। गाइज आप थोड़ा सा भी कमेंट करते हैं या लाइक करते हैं ना, तो लगता है कि हाँ और अच्छी अच्छी वीडियोस और अच्छे अच्छे नए नए टिप्स लेकर आए हैं आपके लिए, जिससे कि आपको पसंद आए। अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा गाइज। देखिए हमारी ग्रेवी अच्छे से पकने लग पड़ी और छिलका भी सेपरेट देखिए अपने आप ही अलग से हो जाता है। तो सारा छिलका हम निकाल देंगे, जहाँ पे डाल देंगे हल्दी पाउडर, और गैस अगर आप जहाँ पे लाल मिर्ची पाउडर वैसे डालने की जरूरत नहीं है, हमने हरी मिर्ची डाली है। अगर आप स्पाइसी करारा खाना चाहते हैं तो आप जहाँ पे लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। देखिए मसाला अच्छे से है, हल्का सा मैं प्रेस कर दूँगी, बढ़िया सा भून जाएगा, घी देखिए रिलीज़ होने लग पड़ा है मसाला। इससे क्या होता है साबुत मसाला जब पीसते हैं ना गैस आपका बहुत ही जल्दी पीस जाता है, और होटल रेस्टोरेंट वाले ढाबे वाले भी यही वो भी इसी तरीके से साबुत मसाले ही बड़े बड़े पीसेस में ही भूनते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी बिना टाइम गवाए हमारा मसाला पक जाता है। तो गैस जैसे हल्का कोसा ठंडा होगा ना, हम मसाले को मिक्सी ग्राइंडर में डालेंगे सारे को, पानी वगैरह कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, इसका अपने आप ही देखें बढ़िया सा मसाला तैयार हो जाता है। तो देखिए गाइस एक बार मैंने कर लिया था, अब दोबारा से हम इसको बंद करके एक बार फिर से कर देंगे, जिससे कि काजू की पेस्ट जो हमने काजू साबुत डाले हैं बाकी मिर्ची वगैरह वो भी तैयार हो जाएंगी। तो गाइस देखिए मसाला तैयार हो गया, मैं सब्जियां आपको 2 से 3 बना करके दिखा देती हूँ। मटर पनीर बनाते हैं हम, दामा आलू बनाएंगे और साथ में हम शाही पनीर भी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, एक ही ग्रेवी होगी गाइस लेकिन फ्लेवर टोटली डिफरेंट होंगे, बनाने का तरीका टोटली डिफरेंट हो जाएगा। तो गाइस जहाँ हम मिला देंगे गर्म मसाला, घर का भुना हुआ तैयार किया हुआ मसाला मैंने आपके साथ शेयर की हुई है ना, इसकी वीडियो भी आपके साथ। तो गर्म मसाला हमने कोई साबुत मसाले नहीं डाले हैं, कोई भी खड़े मसाले गाइस, हम सिर्फ गर्म मसाला इसके अंदर ऐड कर देंगे, उसी से जो हमारी ग्रेवी बढ़िया सी तैयार हो जाएगी। देखिए तो जहाँ गाइस मैंने पनीर ले लिया, मटर ले लिया और साथ में उबले हुए आलू ले लिए हैं जो मैंने फ्रिज में रख दिए थे, जिससे कि एकदम फ्रिज में रखा हुआ आलू सख्त सा हो जाता है ना, तो वैसे वैसा ही तैयार हो जाएगा। तो गाइस जहाँ मैं ले लूँगी कुकिंग ऑयल, उसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा जीरा आधा छोटा चम्मच और मटर देंगे। मटर कहाँ से लिए, जहाँ पे मैंने गाइस फ्रोजन मटर ले लिए, सिर्फ एक करछी लिया, ज़्यादा नहीं लिए क्योंकि फैमिली छोटी है, बहुत 3 सब्जियाँ बनाऊंगी तो फिर तीनों हमने ही खानी है, तो इसलिए कम कम क्वांटिटी में बनाऊंगी। तो गाइस जहाँ साथ में डाल देंगे थोड़ा सा पानी, जिससे कि मटर अच्छे से पक जाएंगे, और इसी के साथ थोड़ा सा नमक डाल देंगे, जिससे कि मटर में नमक बाद में जब सब्जी में खाएं तो वो फीका फीका नहीं लगेगा। तो गाइस देखिए मटर पूरी तरह से पानी सूख चुका है, सिर्फ ऑयल रह गया। अब क्या करेंगे, जहाँ पे हम जो हमने ग्रेवी मसाला
बनाया है ना वो एक कड़छी डालेंगे, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे गाइज आपकी ये सब्जी तैयार होने में। गर्मियों में जैसे खड़े होने का दिल नहीं करता, मेहमान आए कोई आए, फटाफट बनाइए। थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे, स्पाइसी से मटर आलू बनाएंगे। अगर आप मिर्ची जहाँ पे स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो जहाँ लगा दूंगी एक छोटा गिलास पानी का, जिससे कि ग्रेवी अच्छी सी गाढ़ी थिकनेस वाली और मटर भी पक जाएंगे, मटरों के अंदर पूरा फ्लेवर आ जाएगा। तो गाइज जहाँ मैं ऐड कर दूंगी पनीर, थोड़ा सा ही पनीर ऐड कर रही हूँ क्योंकि गाइज मैंने एक कटोरी को क्या गाइज जैसे मार्केट में हम लेने जाते हैं ना होटल रेस्टोरेंट में एक प्लेट ऑर्डर करते हैं, एक प्लेट तो हमारी आराम से तैयार हो चुकी है एकदम बढ़िया सी। देखिए हमारे मटर पनीर तैयार हो गए, कितने टाइम में, सिर्फ 5 मिनट में तैयार हो जाते हैं गाइज। देखिए अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। अब क्या करेंगे हम, जहाँ बन इसको ढक के रख देते हैं, अब दूसरी सब्जी बना करके देख लें। तो जहाँ पे क्या करेंगे गाइस, जहाँ प्योर देसी घी लेंगे, क्योंकि हम जहाँ पे बना रहे हैं शाही पनीर तो जहाँ पे घी के अंदर डालेंगे थोड़ा सा जीरा और इसी के साथ डाल देंगे हम अपनी ग्रेवी। देखिए जो मसाला ग्रेवी गाइस, देखिए इसका कलर एकदम डिफरेंट लगेगा आपको, मटर पनीर का कलर अलग होगा और दामा आलू का अलग। तो बने रहिएगा बहुत सारे टिप्स हैं ट्रिक्स के साथ। तो जहाँ लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा नमक डाल देंगे, हल्का ही नमक डालिएगा, ज़्यादा ना रखिएगा, तो क्योंकि शाही पनीर में हल्का नमक कम ही लगता है। अच्छा गाइस देखिए ग्रेवी एकदम डिफरेंट होगी। तो गाइस जहाँ मैं डाल दूंगी एक गिलास दूध, पानी ना डाल करके आप शाही पनीर बना रहे हैं एक गिलास दूध डालिए, कोई हमें क्रीम ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ भी। तो आधा छोटा चम्मच जहाँ पे चीनी डाल देंगे, जिससे कि एकदम मसाले हमारे डिफरेंट से फ्लेवर देंगे। तो 5 मिनट ढक करके पकाऊंगी गाइस, देखिए एकदम उबाला आने के ऊपर तो पूरा घी रिलीज मसाले के पूरे फ्लेवर निकल कर आ जाएंगे। अब कहाँ जहाँ पे मैंने डाल दूंगी पनीर, पनीर की लंबी लंबी पतली पतली स्लाइसेस जैसे हमें होटल रेस्टोरेंट में मिलता है ना गाइस, वैसे ही बनाएंगे। 2 से 3 मिनट ढक के पकाऊंगे। देखिए बढ़िया सा हमारा शाही पनीर तैयार हो चुका है, ज़्यादा टाइम नहीं लगा गाइस। देखिए सिर्फ 5-5 मिनट में आप जैसी मर्जी सब्जियां बनाएं, जो जो मसाला बनाया है ना गाइस हमने, इससे आपकी 10 से 12 सब्जियां तैयार हो जाएंगी अगर आप एक एक प्लेट तैयार करते हैं तो। तो देखिए गाइस मटर पनीर तैयार हो गया, शाही पनीर तैयार हो चुका है। तो अब हम करेंगे आलू, जो हमारे दामा आलू तैयार मिलते हैं ना गाइस एकदम होटल रेस्टोरेंट में जाके ऑर्डर करते हैं, उसी तरीके से बनाएंगे। तो जहाँ गाइस मैंने 4 पीस कर लिए, बड़े बड़े पीसेस में आलू को कर लेंगे। अगर आपके पास उबला आलू नहीं है तो आप आलूओं को फ्राई भी कर सकते हैं, जैसे मैंने को लास्ट वीडियो में बताया था। तो जहां कुकिंग ऑयल डालेंगे, जीरा चटकाएंगे और इसी के साथ डाल देंगे अपना मसाला जो ग्रेवी बनाई हुई है। सिर्फ 5 से 10 मिनट लगेंगे इस सब्जी बनाने में आपको, गर्मी में कोई घंटा घंटा दो दो घंटे खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सिर्फ सुबह के टाइम या शाम के टाइम बनाइए जब मसाला जब फ्री हो। नमक डालूंगी, मिर्ची डाल दूंगी और साथ में हरा धनिया और एक कड़छी दही की डाल देंगे, एकदम जम्मी से टेस्टी से बनेंगे सारे तीनों सब्जियां हमारी। देखिए डिफरेंट फ्लेवर्स की बनी है, मसाला एक ही है लेकिन बनाने का तरीका अलग अलग है। देखिए दही ने मसाला घी रिलीज हो चुका था, अब डाल देंगे हम जहाँ पे उबले हुए आलू, बाकी आलू को मैं परौंठे वगैरह कुछ भी बना दूंगी। तो गाइस मैंने सिर्फ थोड़ी थोड़ी ही बना रही हूँ, देखिए 2 से 3 मिनट पकाएंगे। अब जो मसाला लग गया था ना गाइस मिक्सी ग्राइंडर में, उसी में मैंने एक गिलास पानी डाल दिया था। तो जहाँ डाल देंगे आप ताजे मसाला, जैसे आपने 2 दिन पहले मसाला भून करके रख लीजिए, आपको नहीं पसंद है थोड़ी सी जहाँ गैस मैं डाल दूंगी कसूरी मेथी, जैसे मैं बता रही थी आपको नहीं पसंद है भून करके मसाला तैयार करके रखने का, लेकिन मालूम है कि 2 दिन के बाद घर में पार्टी है या कोई फंक्शन है तो गैस तब आप ये मसाला भून करके रख सकते हैं। सब्जियाँ अगले दिन आपको बहुत ही ईजिली आप फटाफट 3 से 4, 5, 7 सब्जियाँ फटाफट तैयार कर लेंगे। तो ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। देखिए हमारी 3 सब्जियाँ फटाफट 5-5 मिनट में तैयार हो चुकी हैं, एकदम यम्मी टेस्टी। तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपीज मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इतनी जल्दी जल्दी से गर्मी में जैसे खड़ा नहीं ना होने का दिल करता है, जब मेहमान आए जब होटल रेस्टोरेंट जैसा खाना खाने का दिल करता है गाइस, तो फटाफट बनाइए। चाहे तंदूरी नान खाइए साथ में, चाहे तो आप, मैंने आपको तंदूरी नान भी बताए हुए बताने, चाहे लच्छे वाला परौंठा बनाइए एक ग्रेवी के साथ। देखिए कितनी सारी सब्जियाँ हमने फटाफट तैयार कर ली हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए अगर वीडियोस पसंद आती हैं। तो कमेंट जरूर करके बताइएगा आपको कैसी लगी, जब आप तैयार करें तब भी बताइए गाइस। अगर इसी ग्रेवी को आपने 1-2 महीने स्टोर करके रखना चाहते हैं ना, तो आप फ्रीजर में बर्फ़ वाला खाना होता ना उसमें रख लीजिए, जब बनानी हो आधा घंटा पहले निकालिए, बनाइए खाइए खिलाइए, आपकी किचन को लाइक कीजिए।